faster than me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. तो आज मैं अपनी रियल ब्लड रिपोर्ट आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है वो भी दिखाने जा रहा हूँ। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट करें उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आगे भी बनाऊँगा, क्योंकि जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है मेरी एज के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी चीज़ को आप शुरू कर रहे हैं, कोई स्टैकिंग शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में अपने ब्लड टेस्ट रखें, खास करके लिपिड प्रोफाइल का। और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिस पे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी को कोई कमी नहीं होती टेस्टोस्टेरोन की, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, और मैंने भी अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराया है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है मेरा वो 743 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, जो कि काफ़ी इनफ है बॉडी बनाने के लिए भी, और मेरी बॉडी की एज के हिसाब से भी काफ़ी इनफ है। दूसरी चीज़, लोगों को टेस्ट तो कराते नहीं हैं, वो बाहर से इंजेक्ट करने की सोचते हैं। अब मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई कितना टेस्टोस्टेरोन लेवल है, अगर मैं बाहर से इंजेक्ट कर लेता उसकी हो सकता है रेशो बढ़ जाती, थोड़ी सी रेशो बढ़ जाती, SHBG उसको और चिपका लेता और थोड़ा सा और ज़्यादा जो मात्रा होती है टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन की, वो बढ़ जाती। लेकिन उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी मेरी बॉडी नेचुरली 743 पे बना रही है। लेकिन बॉडी जब अपनी नेचुरल प्रोडक्शन बंद करती है, जब कुछ आप इंजेक्ट करते हो, पहले 40 मिनट में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं आपके, वो आपके जो नेचुरल प्रोडक्शन है उसको रोक देते हैं। नेचुरल प्रोडक्शन रुक गई तो फिर वो दोबारा उस लेवल पे नहीं बना पाएगी, क्योंकि बॉडी उतना सेंस नहीं कर पाएगी जितना उसको अभी सेंस करने की आदत है कि कितनी ज़रूरत है बॉडी को टेस्टोस्टेरोन निकालने की और कितनी निकाली जाए। अल्टीमेटली डाइट पहला फैक्टर, दूसरा आपका लाइफस्टाइल, तीसरी आपकी एक्सरसाइज, इन तीनों को लेके चलोगे तो आप ज़रूर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से इंजेक्ट करें। दूसरी चीज़, मेरी बॉडी जो आपको दिख रही होगी कि भाई इतना तो लग नहीं रहा टेस्टोस्टेरोन, हालांकि मेरा इतना साइज़ नहीं है क्योंकि मैं उस हिसाब की अभी ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी जो लेग है उसकी बोन ब्रेक हुई थी, उसमें रॉड है अभी, तो मैं उतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं जितना भी वर्कआउट करता हूँ मैं कैलकुलेट करके करता हूँ, 1 रैप मैक्स के हिसाब से करता हूँ और अपनी डाइट भी उसके हिसाब से रखता हूँ, जिसके कारण मेरा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो काफ़ी अभी भी अच्छा है, 743 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अब मैं बात करूं कि मेरी लिपिड प्रोफाइल जो है, लिपिड प्रोफाइल में LDL जो होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड। आपके खून का गाढ़ापन ही बताता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कैसे कितना इंक्रीज होगा, बाकी तो कन्वर्जन की बात है कि कितना कन्वर्जन करेंगे। लेकिन लिपिड प्रोफाइल काफ़ी लोगों की ख़राब होती है, उनका टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है क्योंकि ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लेकिन दूसरी जगह पे जब एक वर्कआउट करने वाला इंसान आता है, एक सही डाइट फॉलो करने वाला इंसान आता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन और LDL का जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। LDL LH से मिलकर हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, वो कैसे बनाता है पूरा प्रोसीजर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मेरा मेनली आप लोगों को एक मैसेज देने का इस वीडियो का पर्पस था कि भाई बाहर से इंजेक्ट मत करो, अंदर ही बॉडी बतेरा बना लेती है, बहुत बना लेती है आपकी बॉडी जो है, बहुत जिसे बोलते हैं इनफ, जिसको उसकी जितनी उसको ज़रूरत है उतना टेस्टोस्टेरोन लेवल वो खुद टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर लेती है। बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लो, ये लो, वो लो। अब मेरा 743 है, अगर मैं बाहर से कुछ लेता तो हो सकता है मात्रा तो बढ़ जाती लेकिन SHBG के सेंसर भी उड़ सकते थे, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन जहाँ पर चिपकता है रिसेप्टर, उनका सेंसिटिविटी कम हो जाती।